good morning students class 5th today we will do our word meaning and question answer of chapter 12 our five senses firstly we will do word meaning first hai uh, organs organs means part of the body parts of the body that have a particular purpose Uh, यानी बॉडी का एक पार्ट जिसका की पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो बना होता है फॉर एग्जाम्पल पर्पज ऑफ द ईयर इज टू हियर यानी ईयर का मेन वर्क क्या होता है हियरिंग करना सुनना सेकेंड ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व का मतलब होता है नेव वेन ऑफ आइज यानी आइज का जो है आइज के थ्रू ही हम जो है देख पाते हैं और ऑप्टिक नर्व जो काम करती है ब्रेन तक जो है ये मैसेज देती है कि हमने क्या देखा है ऑड्यूर ऑड्यूर मीन्स स्मेल जो है सुगंध रिसिप्टर्स रिसिप्टर्स मीन्स होता है फाइंडर जो ये जैसे कि कोई भी टेस्ट जैसे कि हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनको रिसिप्टर्स बोलते हैं और नेक्स्ट है बर्ड्स बर्ड्स होते स्मॉल लम्ब्स स्मॉल लम्ब्स यानी काफी सारी इकट्ठे जो हैं वहाँ पे रिसिप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं बर्ड्स कन्वे कन्वे मीन्स होता है सेंड करना जैसे कि कन्वे द मैसेज सेंड द मैसेज नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज मीन्स होता है आइडेंटिफाई करना पहचान कर पाना कि जैसे हम जो भी खाते हैं, तो हमारी टंग जो है आइडेंटिफाई करती है कि उसका जो है टेस्ट कैसा है नेक्स्ट uh, है क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है हाउ डू वी सी द वर्ड अराउंड अस जो वर्ड है हमारे चारों तरफ हम उसको कैसे मतलब देख पाते हैं वी सी द वर्ड वी सी द वर्ड अराउंड द अराउंड विद अवर आइज यानी कि हमारी आईज जो है नव जो फर्स्ट सेंस uh, ऑर्गन है जैसे आईज इसके थ्रू ही हम जो है देख पाते हैं पूरे वर्ड को सेकेंड है क्वेश्चन नंबर टू हाउ डू वी नो द थिंग्स बाय टच जब हम किसी चीज को मतलब टच करते हैं तो हम उसके बारे में हमें कैसा मतलब कैसे पता चलता है हमारे ब्रेन को अवर स्किन हैज डिफरेंट नर्व सेल्स कार्ड रिसिप्टर्स जो हमारी स्किन है इसके ऊपर डिफरेंट नर्व सेल्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं रिसिप्टर्स और दीज रिसिप्टर्स आर सेंसिटिव टू टच और ये रिसिप्टर्स जैसे ही हम हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को हम टच करते हैं तो ये बड़े सेंसिटिव होते हैं रिसिप्टर्स जो हमें टच करते ही पता चल जाता है कि हार्ड सॉफ्ट कोई भी चीज हमें जो टच करती है उसका हमें पता चल जाता है दे हेल्प अस टू नो द थिंग्स बाय टच और इसीलिए हमें जो है हमारे ब्रेन को पता चलता है कि कोई भी चीज हम टच कर रहे हैं कि वो कैसी है और मतलब कि कुछ टच हुआ है हमारी बॉडी को या हमने किसी चीज को छुआ है वो हॉट है या कोल्ड है तो इस तरह से जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो ये जो रिसिप्टर्स हैं सेल्स हैं सेल्स के जो है फिर ये मैसेज आगे हमारे ब्रेन तक भेजते हैं और ब्रेन से फिर हमें मैसेज मिल जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ डू वी हियर द साउंड्स अराउंड अस जो हमारे तर, आ, हमारे चारों तरफ जो साउंड होते हैं, वो हमें कैसे सुनाई देती है अवर इयर्स हेल्प अस टू हियर द साउंड अराउंड अस जो हमारे इयर्स हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं जो ये साउंड है उसको सुनने में फोर्थ इज हाउ डू वी नो द टेस्ट ऑफ थिंग्स वी ईट जो भी हम खाते हैं, तो उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है हमारी टंग को जो है इसका टेस्ट कैसे पता चलता है कि ये जैसे कि आ, स्वीट है शोर है बीटर है आंसर आर आर टेस्ट टेस्ट ऑन अवर टंग हमारी टंग जो होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं और वेन वी ईट एनी थिंग रनिंग फ्रॉम द बर्ड्स जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो ये जो आ, टेस्ट बर्ड्स हैं ये नर्व्स के थ्रू वहां से दौड़ती हुई बर्ड्स टू द ब्रेन और ब्रेन के पास जाती है टू टेल एस अबाउट इट्स टेस्ट और हमारे ब्रेन को बताती है कि इसका टेस्ट कैसा है फिर हमें ये पता चलता है कि जो है कोई भी चीज हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है जैसे देर आर टेस्ट बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स जैसे कि बहुत सारी जो है रिसिप्टर्स होते हैं ये ऑन अवर टंग वेन वी इट एनीथिंग नर्वस रनिंग जो फिर ये नर्वस होती है वो दौड़ कर जाती है टेस्ट बर्ड से मतलब की जैसे ही जो भी हमने खाया वो टेस्ट बर्ड में मतलब उन्होंने रिसीव कर लिया और फिर ब्रेन तक जाकर बताती है की जो भी हमने खाया उसका टेस्ट कैसा था वट इज द फंक्शन ऑफ नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी जो हमारी बॉडी है उसका जो है फंक्शन कैसे जो है ये काम करती है द नर्व्स कैरी ओल काइंड ऑफ जितने भी जो नर्व्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं ले जाती हैं ओल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सभी प्रकार की जो है जानकारी टू द ब्रेन ब्रेन को देती है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो फाइव सेंस ऑर्गन हैं आईज़ ईयर नोज टंग स्किन इसके थ्रू जो भी मतलब ये पूरी बॉडी के अंदर जो नर्वस है और इनके थ्रू हमारा जो भी मैसेज होता है वो ब्रेन के अंदर जाता है और ब्रेन से फिर हमें जो है ये पता चलता है कि आ, कोई भी थिंक्स जैसे हम खा रहे हैं तो उसका टेस्ट पता चलता है स्मेल है तो वो भी हमें इससे पता चलती है कोई भी चीज टच करते हैं वो हॉट है या फिर जैसे कि हार्ड है या सॉफ्ट है उसका भी हमें जो है तो ये जो नर्व्स हैं वो जो है सारे प्रकार की जितने भी जो भी मैसेज होती है जिससे जिस सेंस ऑर्गन से रिलेटेड मैसेज होता है वो ब्रेन तक भेजती हैं और फिर ब्रेन हमें ये जो है बताता है कि कोई भी चीज है उसका क्या टेस्ट है कैसा जो है हार्ड है या सॉफ्ट है बीटर है या स्वीट है ओके बेटा थैंक यू राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो ओके बेटा थैंक यू